हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अंकित शर्मा इन्फिनिटी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो हमारी बेहद दमदार वीडियो है, क्योंकि ये वीडियो आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, जैसे HJS का एग्जाम आप देने जा रहे हैं। HJS से मतलब क्या होता है? HJS से मतलब होता है जो उच्च न्यायिक सेवाएं हैं, और इनके अलावा अगर आप PCSJ का एग्जाम देने जा रहे हैं उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और APO के लिए भी बेहद ज़रूरी है। ठीक है, तो आज की जो हमारी वीडियो है इसका नाम है यूपी रेवेन्यू कोड 2006, यानी उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006। देखिए, सबसे पहले जानना ये जरूरी है, जो हमारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो कोड है ये उत्तर प्रदेश में ही एप्लीकेबल होगा। कुछ एक चीजें हैं जो इंसान का या कोई एक्ट है या कोई संहिता है उसका नाम से ही उसके बारे में बहुत कुछ बता देती है। जैसे ये बता रहा है कि उत्तर प्रदेश से ही, मतलब क्या है कि ये पूरा जो संहिता है पूरे उत्तर प्रदेश के लिए ही एप्लीकेबल है। हालांकि जो उत्तर प्रदेश से मिले जुले या उसकी बाउंड्री से जो लगे हुए स्टेट्स हैं ये उन पर एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो मैं इसके बारे में कुछ एक चीज़ें बता दूँ। देखिए, ये जो एक्ट था, ये एक्ट था एक्ट नंबर 8, यानी कि ये अधिनियम संख्या 8 था। ठीक है, और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 यानी कि यूपी रेवेन्यू कोड 2006, इसके अंदर कुल अध्याय हैं 16। ठीक, और इसमें जो है कुल सेक्शन है, सेक्शन याद रखना बेहद आसान है, आपको केवल इतना याद रखना है 2, 3, 4, क्योंकि इसके अंदर सेक्शंस कुल 234 हैं, और टोटल इसके अंदर जो शेड्यूल्स हैं यानी कि जो अनुसूचियां हैं कुल 4 अनुसूचियां हैं। ठीक है, तो ये आसानी से याद रह जाएगा। अब जैसे मैं बता दूं यूपी रेवेन्यू कोड का मतलब क्या है, दोस्तों ये एक स्थानीय विधि है। ठीक है, स्थानीय विधि है, और ये संहिता एक सिविल मौलिक विधि है। ठीक है, स्थानीय संहिता इसलिए है क्योंकि ये एक स्थान विशेष के ऊपर कार्य करती है, स्थान विशेष के लिए कार्य करती है। ठीक है, और हालांकि जो यूपी रेवेन्यू कोड का एक सेक्शन है 231, ठीक है, सेक्शन ये याद रख लेना, सेक्शन 231। ठीक है जी, सेक्शन 231, ये धारा क्या कहती है कि जो यूपी रेवेन्यू कोड है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता है, ये भविष्यलक्षी प्रभाव रखती है। कहने का मतलब, जिस दिन ये एक्ट बना था उससे आगे जितने भी रूल्स होंगे ये उन पर प्रभावित होगी, जितने भी नियम होंगे उन सभी पर प्रभावित होगी। लेकिन जो पुराने एक्ट हैं, जो पुराने अधिनियम हैं, यानी 2006 से पहले जो अधिनियम बने हुए हैं उन पर पुरानी विधि ही एप्लीकेबल है, जो पुराने लॉज बनाए हुए हैं वही एप्लीकेबल होंगे। लेकिन कुछ एक्ट ऐसे हैं जो यूपी रेवेन्यू कोड 2006 के, कुछ एक्ट ऐसे हैं जो पुरानी विधि पर भी लागू होंगे। हालांकि सभी एक्ट ऐसे नहीं है कि पुरानी विधि पर लागू होंगे, कुछ एक्ट हैं। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा बता दूं मैं, जैसे कि मैंने वहां बता ही दिया कि भाई ये एक्ट नंबर 8 है। ठीक है, अब ये जो यूपी रेवेन्यू कोड है, जो यूपी रेवेन्यू कोड है ये हमारा बना जी कब, ये बना था 2006 में। ठीक है, अब इसके लागू होने में बहुत ज्यादा समय लगा, बहुत ज्यादा विलंब हुआ, जबकि इसे राष्ट्रपति महोदय की जो अनुमति मिली 29/11/2012 को, यानी कि 29 नवंबर 2012 को राष्ट्रपति महोदय द्वारा इसको अनुमति मिली अनुच्छेद 201 के तहत। ठीक है, क्योंकि एक चीज ध्यान रखना, चलो पहले मैं यहाँ बता देता हूँ कि अनुमति जब इसको प्राप्त हुई है, अनुमति कब प्राप्त हुई है दोस्तों, अभी अभी बताया मैंने, 29 नवंबर 2011 को, यानी काफी सालों बाद इसको
अनुमति प्राप्त हुई 5 साल बाद। अब बता दो कोई भी अधिनियम जो राज्य सरकार द्वारा पारित किया जाता है उसको आर्टिकल यानी अनुच्छेद 201 के तहत कोई भी राज्यसभा विधानमंडल के द्वारा लाया जाता है तो उसको अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति महोदय की जो अनुमति है वो जरूरी होती है। ठीक है, अब भाई बात ये है कि अनुमति भी मिल गई 29 नवंबर 2011 को। अब राज्य सरकार के द्वारा इस अधिनियम को यूपी रेवेन्यू कोड को गजट में जो प्रकाशित किया गया था वो प रकाशित किया गया था 12 दिसंबर 2012 को। यानी कि प्रकाशित कब किया गया था भाई, प्रकाशित किया गया राज्य सरकार द्वारा यूपी गजट में, ठीक है, 12 दिसंबर 2012 को। अब भी प्रकाशित होने के बाद भी ये एक्ट जो है लागू नहीं होता है। जैसे कि आप जानते हैं संविधान को भी दो भागों में बांटा गया है, इसी प्रकार से यूपी रेवेन्यू कोड को भी दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, क्योंकि इसके कुछ सेक्शंस ऐसे हैं, कुछ धाराएं ऐसी हैं जिनको 18 दिसंबर 2015 में लागू किया गया। ठीक है, कुछ धाराएं लागू हुई कब हुई, 18 दिसंबर 2015 में, 18 दिसंबर 2015 में। ठीक है भाई, और ये आंशिक रूप से लागू हुआ 18 दिसंबर 2015 में, और जो बाकी सेक्शंस बचे थे, जो बाकी धाराएं बची हुई थी वो 11 फरवरी 2016 को, यानी कि शेष जो धाराएं लागू हुई शेष 11 फरवरी 2016। ठीक है, अब जैसे कि आप HJS की तैयारी कर रहे हैं या हमारे साथ कुछ वकील साहब लोग भी जुड़े हुए हैं या जो पटवारी लोग हैं उनके लिए भी इन धाराओं का याद रखना जरूरी है, इन दिनांकों का याद रखना जरूरी है। अगर आपसे परीक्षा में ये पूछा जाता है कि HJS हो, PCSJ हो या APO में ये प्रश्न पूछा जाता है कि यूपी रेवेन्यू कोड या उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 कब लागू हुई, तो आप लिखेंगे 11 फरवरी 2016। ठीक है महोदय, यदि आप लोगों से दोस्तों पूछा जाता है कि यूपी रेवेन्यू कोड कितने भागों में लागू किया गया, तो आप आसानी से जवाब दे देंगे क्योंकि इसमें शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, तो बता देंगे कि जो दो भागों में। ठीक है, पहला भाग कब लागू हुआ, 18 दिसंबर 2015, दूसरा भाग कब लागू हुआ, 11 फरवरी 2016। अगर प्रश्न ये आता है आपके सामने कि यूपी रेवेन्यू कोड 2006 आंशिक रूप से कब लागू हुआ, तो ये है 18 दिसंबर 2015 लिखेंगे, और अगर ये आता है कि यूपी रेवेन्यू कोड कब लागू हुआ तो 11 फरवरी 2016 में, और यदि प्रश्न आता है कि यूपी रेवेन्यू कोड कब बना तो आप लिखेंगे 2006 में। ठीक है, तो ये तो मैंने PCSJ, APO और HJS के सेंस ऑफ व्यू से मैंने ये बताया कि इस तरीके से प्रश्न आ सकते हैं, अतएव आपको ये जो दिनांक है ये याद रखनी दोस्तों बेहद जरूरी है। ठीक है, और इसके साथ एक मैंने बात बताई थी, ये जो संहिता है सिविल मौलिक विधि है, हालांकि पूर्ण रूप से सिविल मौलिक विधि नहीं है क्योंकि इसमें जो हमारा चैप्टर 15 के अंदर में क्या बताया गया है, पेनल्टी को बताया गया है, पेनल्टी यानी कि दंड को बताया गया है, और दंड का जो काम होता है वो कहाँ क्या होता है, दंड का काम भाई IPC के माध्यम से दंड दिया जाता है, CRPC के माध्यम से दंड दिया जाता है, लेकिन ये जो विधि है फिर से ध्यान रखना सिविल मौलिक विधि है, इसमें दंड को केंद्रित नहीं किया जाता। और जैसे कि मैं बता दूं
जो स्थानीय विधि है, क्योंकि ये स्थान विशेष के लिए बनाई गई है, और स्थानीय विधि को आईपीसी की धारा 42 में भी परिभाषित किया गया है। जो स्थानीय विधि है दोस्तों, स्थानीय विधि को भारतीय दंड संहिता की धारा 42 में भी परिभाषित किया गया है। और अब हम बात करेंगे, अगर आपसे भाई एक प्रश्न करा जा सकता है किसी भी कॉम्पिटेटिव एंट्रेंस एग्जाम में या एकेडमिक में, आप LLB LLM कर रहे हैं उसमें भी किया जा सकता है, क्या कि यूपी रेवेन्यू कोड, उत्तर प्रदेश और राजस्व संहिता को कौन सी अनुसूची के साथ में पढ़ा जाए। अब आपका जवाब मैं ऑप्शन क्या दूं, रिकॉर्डेड वीडियो है, मैं बता देता हूं। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 को अनुसूची 9 के आधार पर, 9 के साथ में पढ़ा जाए, शेड्यूल 9 के अनुसार पढ़ा जाए। कारण क्या है, जो अनुसूची 9 है, ये लिख ही देता हूं मैं, जो अनुसूची 9 है, ये क्या है, अनुसूची 9 ये न्यायालयों पर प्रतिबंध कर लगाती है। यानी कि अगर कोई लॉज बनाए जाते हैं, कोई नियम या कोई विधान बनाए जाते हैं और उन पर वो फाइनल हो जाते हैं और उनमें आज कल परसों तरसों कभी भी कोई भी संशोधन न्यायालय के द्वारा, विधानमंडल या मंत्रिपरिषद के द्वारा कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता, यानी कि ये जो अनुसूची 9 है पूर्ण रूप से ये एक तरीके से ये मान लीजिए सभी पर प्रतिबंध लगा देती है। और जो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता जो 2006 है ये इसके साथ ही पढ़ा जाएगा, क्योंकि इसके अंदर में कोई भी अमेंडमेंट नहीं किए जा सकते और ये जो है न्यायालय पर जो है प्रतिबंध लगाती है। ठीक है, अब एक महत्वपूर्ण बात और मैं आपको बता दूं, ये जो यूपी राजस्व संहिता है, फिर से ध्यान दे, केवल उत्तर प्रदेश पर ही एप्लीकेबल होंगी, यूपी स्टेट के लिए ही काम करेंगी, अदर स्टेट के लिए काम नहीं करेंगी। अब आप कहेंगे गुरुजी आपने तो बताया था इसमें शेड्यूल 4 है ना, अनुसूचियां 4 है, 1 2 3 4 है ना, आपने तो 9 भी बता दी। देखिए महोदय, इसके पीछे का कारण ये है कि 4 अनुसूची है, मानते हैं, लेकिन जो ये बना है, जो इसका कोडिफिकेशन हुआ है, ये अनुसूची 9 के अकॉर्डिंगली ही इसका कोडिफिकेशन हुआ है। और इसके अलावा एक बात और आपको बता दें कि जैसे हमारा जो बताया था कि कुछ धाराएं जो लागू हुई 18 दिसंबर 2015 को लागू हुई, तो वो कौन कौन सी धाराएं थी जो 18 दिसंबर 2015 को लागू हुई, वो थी धारा 1, धारा 4 से लेकर 19 तक, धारा 233, 234, यानी धारा 1 और 4 से 19 और 233 और 234। ठीक है, ये जो धाराएं हैं हमारी, ये 18 दिसंबर 2015 को लागू हुई, और बाकी की जो बची हुई धाराएं थी ये 11 फरवरी 2016 को लागू हुई। तो ये था हमारा एक तरीके से पूरा इसका इंट्रोडक्शन। अब हम बात करेंगे इसके अंदर जो दिए गए हैं टोटल अध्याय, जो दिए गए हैं टोटल यानी कि कंप्लीट चैप्टर 16 दिए गए हैं, इनके विषय में हम एक नज़र डालते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे इनके अध्यायों के बारे में। चलिए बताता हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं हमने बताया ये अध्याय लिखे हैं और यहाँ पर इनकी धाराएं और इनके विषय। तो सबसे पहले अध्याय 1 में, अध्याय 1 से 4 धाराएं हैं और यहाँ पर प्रारंभिक के बारे में बताया गया है। प्रारंभिक का मतलब होता है जैसे धारा 1 में होता है, कोई भी अधिनियम हो, कोई भी संहिता हो, उसका धारा 1 उसका परिचय देती है, यानी कि संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ के बारे में बताती है। और जो सामान्यतः ऐसा होता है, जो धारा 2 है वो पिछले एक्ट आपने पढ़े होंगे उनमें परिभाषा को बताया गया है, लेकिन यहाँ पर धारा 2 के अंदर में परिभाषा ना आकर के
इसमें इसकी एप्लीकेबिलिटी आएगी। एप्लीकेबिलिटी यानी कि ये कहाँ कहाँ पर लागू होता है। जैसे चैप्टर 8-9 को छोड़कर, 8 और 9 को छोड़कर ये बता रहा है कि 8 और 9 को छोड़कर ये संपूर्ण उत्तर प्रदेश में लागू है। अब जब चैप्टर 8 और 9 छोड़ दिए, मान लो वही चैप्टर 8 और 9 को छोड़कर ये संपूर्ण उत्तर प्रदेश में लागू है, तो ये चैप्टर 8 और 9 आएंगे कहाँ? बात तो ये भी है। देखिए, जो हमारी अनुसूची है, पहली जो अनुसूची है, उसमें 2 लिस्ट बनाई गई है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। जैसे कि आपको बता दूं कि जो यूपी रेवेन्यू एक्ट बना है, ये बहुत यूपी रेवेन्यू कोड जो बना है, बहुत सारी जो एक्ट है उनको जो है निरसन के बाद में, ठीक है, ये बना है। यानी कि बहुत सारी चीज़ों को हटा करके, जोड़ करके, एक रूपता लाने के लिए, यूनिटी लाने के लिए ये संहिता का निर्माण किया गया। अब जैसे लिस्ट 1 है, पहली लिस्ट में बताया जो 32 इनेक्टमेंट्स का उल्लेख है, और सेकंड लिस्ट जो है उसमें जो 7 इनेक्टमेंट्स हैं यानी 7 एक्ट हैं उनका उल्लेख किया गया है। हालांकि इसमें मैं बता दूं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है वो 19 और 25 है, 19 और 25 है। तो मैंने जैसे बताया एप्लीकेबिलिटी सेक्शन 2 में बताई गई है, और सेक्शन 2 में 8 और 9 को छोड़कर जितने भी अध्याय हैं वो संपूर्ण उत्तर प्रदेश पर समान रूप से लागू होंगे। ठीक है दोस्तों, अब जो इसका सेक्शन 3 है, सेक्शन 3 बताएगा कि स्टेट हैज द पावर टू, यानी अमेंड, ओनली स्टेट के पास है कि इसमें संशोधन कर सकती है, जबकि केंद्र सरकार या जो कोर्ट है उसको प्रतिबंधित किया गया है, क्योंकि इसको हमने शेड्यूल 9 के अंदर में पढ़ा है। ठीक है, क्योंकि यह स्थानीय विधि है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। और हाँ, ये बताया था 8 और 9 नहीं लागू होंगे। जब ये लागू नहीं होंगे तो ये कहाँ जाएंगे चैप्टर 8 और 9, जबकि यहाँ बताया गया है? ये जाएंगे महोदय वहाँ जो अनुसूची 1 में जिन क्षेत्रों का निर्धारण किया जाता है, यानी कि कुछ ऐसे क्षेत्र, कुछ विशेष क्षेत्र जो अभी अधिनियम 2006 के बनने के बाद जुड़े हैं, जैसे परगना के तहत 2-2 परगना जोड़े गए थे, उनके तहत जो क्षेत्र जुड़े हैं वहां पर ये लागू होगा। अब चलते हैं डिटेल थोड़ी सी, और बाकी अध्यायवार इसका अध्ययन कर लेंगे, हालांकि यहीं से क्लियर हो जाएगा। और जो चौथा जो इसकी परिभाषा है, चौथी परिभाषा के अंदर, इसके अंदर जो 29 टर्म्स है उनकी उनको परिभाषित किया है, इसके लिए अलग से वीडियो लेके आएंगे, डिटेल में बात करेंगे। तो जो चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 में 5 और 6 2 धाराएं हैं, इसमें राजस्व मंडल के बारे में बात कर की जाती है। जो राजस्व मंडल, जैसे मंडल होता है, मंडल के बाद जिला होता है, जिला के बाद तहसील होती है, परगना होता है, वहां से रिलेटेड जो बातें होती है धारा 5 और 6 के अकॉर्डिंग की जाएगी। और इसके बाद चैप्टर 3 की हम दोस्तों बात करेंगे। चैप्टर 3 7 से लेकर के 19 तक बताया था मैंने, ठीक है, यानी कि जो सेक्शन 7 से 19 तक है ये हमारे पहले पार्ट में लागू हो चुके थे। परिषद और राजस्व अधिकारी के बारे में बात की गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें पूछ सकता है कि जो परिषद है यानी कि जो बोर्ड है वो क्या है, और जो राजस्व अधिकारी है उनके क्या कर्तव्य होते हैं, उनकी क्या ड्यूटी होती है। ठीक है, जो बोर्ड है यहाँ पर न्यायालय अपना काम नहीं करेगा, जितने भी इससे रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स होंगे वो बोर्ड के समक्ष रखे जाते हैं, यानी परिषद के समक्ष रखे जाते हैं। आशा करता हूँ मजा आ रहा होगा वीडियो का। ठीक है, अब बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 के बारे में। दोस्तों जो चैप्टर नंबर 4 है वो सेक्शन यानी धारा 20 से 28 तक है, सीमा और सीमा चिन्ह के बारे में यहाँ पर बात की जाती है। देखिए, पहला जो अध्याय है ये तो आपको पता ही होगा कि भाई पहला अध्याय में सारे जितने भी इनेक्टमेंट, जितने भी एक्ट्स हैं, सॉरी, जितने भी अधिनियम है, जितनी भी संहिता है, जो पहला जो भाग होता है, जो पहला जो अध्याय होता है वो प्रारंभिक ही होता है। आई बात समझ में? अब इसमें जैसे 4 है, चौथे को कैसे याद करे जाए?
सीमा मतलब होता है बाउंड्री, और सीमा चिन्ह यानी को उनको चिन्हित करना, यानी कि बाउंड्री का मतलब चारों दिशाओं से उसको निशान लगाना, यानी कि चौहद्दी करना, चौहद्दी यानी कि चारों तरफ से हद बांधना, तो चौहद्दी, तो चौहद्दी यानी सीमा और सीमा चिन्ह, यानी कि चौहद्दी का है चैप्टर चार में, यानी कि चैप्टर चार मतलब चौहद्दी, तो एक तो याद हो गया बड़े आराम से, और जो पहला है वो भी बड़े इजीली याद हो गया है कि नहीं, पहले में प्रारंभिक और चार में चौहद्दी, सही है। और पांच है, पांचवा और छठा जो है इसमें एक काम कर ले, हालांकि पांचवा 29 से 42 तक दिया गया है धारा है, इसमें ग्राम के अभिलेखों का अनुरक्षण किया गया है, और छह में 43 से 53 10 धाराएं हैं, यानी कि ग्राम के अभिलेखों का पुनरीक्षण, भाई अध्याय छह में पुनरीक्षण दिया गया है, तो इसको आप चाहो तो एक साथ कर सकते हैं, क्योंकि पांचवा और छठा आप एक साथ पढ़ लेंगे तो उसमें थोड़ा सा याद करने में आसानी हो जाएगी भाई, क्योंकि बात यहाँ पे ग्राम के अभिलेखों के, भाई ग्राम के जो अभिलेख हैं वो क्या है आप ही बताओ, खसरे हैं, खतौनी है, सिजरा है, ये जो किसानों की जोत बही होती है, ये ग्राम के अभिलेख होते हैं, इनका अनुरक्षण करना यानी कि इनको सुरक्षित तरीके से रखना, क्योंकि बात और पुनरीक्षण करना यानी कि इस जगह जगह पर इन पर मतलब समय समय पर जो भी परिवर्तन यहाँ पर जरूरी है वो कर लेना, ठीक है भाई। अब जो पांच और छह एक साथ हो गए क्योंकि यहाँ बात करिए, पहले अनुरक्षण और दूसरा पुनरीक्षण, पांच और छह याद हो गया, क्योंकि बात ग्राम की है, ग्राम के अभिलेख या डॉक्यूमेंट्स या दस्तावेजों का अनुरक्षण और पुनरीक्षण। अब बात है जी सात की, क्योंकि जो सात है 54 से 58 तक बताया, 54 से 58 में क्या है, भूमि व अन्य संपत्ति का स्वामित्व, यानी कि ये बात करता है आपके ओनरशिप के बारे में, आप चाहो तो इसमें भी दोनों को एक साथ हम पढ़ सकते हैं, और चूंकि चैप्टर 8 59 से 73 तक की बात करता है संपत्ति, भूमि व अन्य संपत्ति का प्रबंधन की बात करता है। भाई एक बात बताओ, पहले आप मैनेजमेंट करोगे बाद में ओनरशिप करोगे, अगर आप किसी संपत्ति के मालिक हैं तभी तो आप उसका मैनेजमेंट करोगे कि नहीं करोगे, या पहले उसका मैनेजमेंट करोगे बाद में मालिक बनोगे, नहीं पहले संपत्ति लोगे या खरीदोगे तब आप उसके मालिक बनोगे, मालिक बनने के बाद उसकी व्यवस्था करोगे, तो इसी तरीके से इसमें जो हमारा सातवां और आठवां जो चैप्टर है अध्याय है उसको हम आसानी से याद रख सकते हैं कि भाई भूमि का पहले ओनरशिप करेंगे उसके बाद मैनेजमेंटशिप करेंगे, ठीक है जी। तो ये था हमारा सातवां और आठवां। अब बात करेंगे जी चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 इसको याद करने का एक सरल तरीका है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से जो चैप्टर संख्या 9 है इसके लिए मैं सोच रहा हूं कि अलग से वीडियो बना दूं, लेकिन कुछ एक चीजें मैं बता दूं। इसमें पहला जो विषय आएगा जी वो आएगा खाता। खाते का मतलब आप क्या समझते हैं, अकाउंट से बात कर रहे हैं? नहीं, खाते का मतलब अकाउंट नहीं होता, जो जमीनात की बात करते हैं खाता का मतलब होता है टेन्योर से, जो हमारा टेन्योर का होता है, टेन्योर मतलब खाता, जो सेक्शन 74 से 87 तक बताया गया है, उसके बाद करते हैं जमीन का अंतरण, भूमि का अंतरण यानी अंतरण 88 से 106 तक चलता है, और उसके बाद न्यागमन 107 से 115 तक चलता है, उसके बाद डिवीजन भूमि का विभाजन 116 117, समर्पण और परित्याग 118 से 124, ग्राम पंचायत द्वारा भूमि का पट्टा 125 से 137, और जमीन से बेदखली 130 से 137, और जो लगान है भूमि पर लगान 138 से 143 चलेगा, और जो घोषणात्मक वाद है वो 144 से 146 तक चलेगा। जो चैप्टर 9 है वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे संबंधित चीजें आपके जो एकेडमिक लेवल की परीक्षाएं हैं यानी LLB और LLM से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं हैं उनमें ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है चैप्टर 2, क्योंकि एकेडमिक में ज्यादातर यहाँ से पूछा जाता है, और चैप्टर 1 पूछा जाता है और चैप्टर 2 पूछा जाता है।
तो ये ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब हम बात करेंगे मित्रों अपने चैप्टर नंबर 10 के बारे में। देखो भाई, ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 10, जो धारा 147 से 152 तक है, सरकारी पट्टेदार। देखो, सरकारी पट्टेदार का मतलब ये है भाई, एक तो ग्राम पंचायत द्वारा लीज पर जमीन या कोई संपत्ति देना, और जो सरकार जो पट्टा देती है वो सरकारी पट्टेदार कहलाते हैं। सरकार के द्वारा जो लीज पर दिया जाता है वो सरकारी पट्टेदार कहलाता है। अच्छा, जो चैप्टर 9 मैंने बताया था, इसमें जो डिटेल में रिटिन में अगर आपको वो ये चाहिए सेक्शन मैंने लिखे हैं, उसमें आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, क्योंकि कुछ एक चीज़ें दोस्तों देखो बोर्ड पे ज़्यादा नहीं लिखी जाती, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है, तो उसको हम आपको इंस्टाग्राम के माध्यम से उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, इस वीडियो में लिंक में हम डाल देंगे उसका, इंस्टाग्राम का। अब मैं इसे थोड़ा सा बोर्ड को रफ कर दूँ और आगे की बात बता दूँ। तो दोस्तों, आगे के जो हमारे विषय हैं वो ये रहे, यानी जो हमारा अध्याय संख्या 11 है वो धारा 153 से 162 तक बताया गया है, जिसका मतलब है भू राजस्व का निर्धारण। और चैप्टर 12 163 से 205 तक भू राजस्व का संग्रह। आप इन दोनों को एक साथ पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब एक बात बताइए आप, अगर राजस्व है या रिवेन्यू है, उसको पहले आप कलेक्ट करोगे या उसको डिटरमाइन करोगे भाई हमें किस व्यक्ति से कितना पैसा लेना है, इस चीज को आप मतलब पहले निर्धारण करोगे या पहले पैसा ले लोगे और बाद में भाई हमें तो इससे इतना लेना था। अगर मान लिया, फर्ज करो आप से हम पैसा लेते हैं, पहले पैसा ले लिया हमने कि जी हमें तो आपको लेक्चर देने के 5,000 रुपये लेने थे, ले मतलब 5,000 रुपये आपसे ले लिए, और बाद में गए हमें तो 10,000 लेने थे जी। नहीं ना, पहले तो हमने करना क्या था, उसका निर्धारण करना है और उसके बाद में उसकी वसूली करनी है। तो ऐसे ही ये उदाहरण दे रहा हूँ, पैसे नहीं ले रहे आपसे, फ्री चल रहा मामला, बस साथ ही आशीर्वाद जी और कुछ नहीं ज्यादा। तो कहने का मतलब ये है कि पहले क्या किया इन्होंने, अध्याय 11 में निर्धारण किया कि उस क्षेत्र में इतने राजस्व का जो है निर्धारण करना और इतना फिर उसके बाद वसूल करना। तो 11-12 यहाँ पे क्लियर हो गए, याद हो गया आराम से। और जब अध्याय 13 है, 13 में 206 से 217, ये बहुत ही खतरनाक है। आपने देखा होगा जो होटल होते हैं उनमें 13 नंबर का कमरा भी नहीं होता। ठीक है, तो ध्यान रखना है, बहुत खतरनाक है। राजस्व न्यायालय की अधिकारिता और प्रक्रिया जो 206 से 217 के अंदर में बताई गई है, ये इम्पोर्टेंट है आपका HJS और PCSJ यानी जुडिशियरी और असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। हालांकि एकेडमिक में इससे नहीं पूछा जाएगा, एकेडमिक में थोड़ा बहुत 1 या 2 नंबर का पूछा जा सकता है। ठीक है, अब जो अध्याय 14 है उसमें 218 से 225 तक की बात की गई है, यानी प्रकीर्ण की बात की गई है, यानी जो मिश्रित विषय है उनके बारे में यहाँ पर बात कही है। जैसे कि आप जानते हैं यूपी जमींदारी एबोल्यूशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950 को हटाया गया था, लैंड रेवेन्यू जो एक्ट था 1901 था उसको हटाया गया था, यानी कि इनका फॉर्मूलेशन करने के लिए, यानी कि जो यानी कि भूमि का जो उन्मूलन और सुधार अधिनियम 1950 अधिनियम जो था, यानी कि इन सब को फॉर्मूलेट करके इनमें एक रूपता लाने के लिए जो मिश्रण किया गया था वो पूरा का पूरा यही तो है। तो इसके अंदर में ये आपका प्रकीर्ण आ जाता है अध्याय 14 में धारा 218 से 225। तो ध्यान रखना, प्रकीर्ण का मतलब ये है कि एक रूपता लाने का जो काम करता है, ठीक है, 218 से 225 के बीच में जो अध्याय 14 है। अब अध्याय 15 का मतलब पै, और पै से मतलब पेनल्टी, तो यानी कि जो दंड है, दंड किसकी बात कर रहा है, 15 की, पेनल्टी माने 15 और पेनल्टी माने दंड। ठीक है,
तो जो शास्त्रियों की बात करती की जाती है, दांडिक प्रक्रियाओं की बात की जाती है, वो धारा 226 से 229 के बीच की जाती है। अब जो अध्याय 16 है ये भी आपको आसानी से याद रहेगा क्योंकि ये इसका अंतिम जो अध्याय है, निरसन और अपवाद। ठीक है, जो अपवादिक चीजें हैं और जो निरसन है, यानी कि निरसन के आधार पर ही ये पूरा का पूरा जो कोड है, कोडिफिकेशन किया गया है, वो यहां से किया गया है दोस्तों। और अब इसके बारे में जितना, चूंकि सारा संभव नहीं है पूरा का पूरा एक ही वीडियो में कराना, ये कि इंट्रोडक्टिव वीडियो थी। मान लो आपसे एक प्रश्न किया जाता है एपीओ में, एचजेएस जे, एचजेएस में, पीसीएस जे में, कि राजस्व न्यायालय की अधिकारिता और प्रक्रिया का वर्णन किस अध्याय में किया गया है। अगर आपको पता है तो आप तुरंत बता देंगे 13 में किया गया है। और भू राजस्व का संग्रह कहाँ किया गया है, सीधी बात है 12 में। तो 12 का मतलब क्या है, 113 से 205 धाराओं के मध्य, जहां भी संग्रह की बात आएगी, कलेक्ट करने की बात आएगी रेवेन्यू को, तो सीधी आपने माइंड लगाना है कि वो 163 से 205 तक की धाराओं की बात वहां पर कर रहा है। और राजस्व के निर्धारण की अगर बात की जाएगी तो अध्याय 11 में और धारा 153 से 162 तक के बीच में बात की जाएगी। तो इसीलिए इन सारी चीजों को पढ़ना बेहद जरूरी है। हमारा जो यूपी रेवेन्यू कोड है बेहद इंपॉर्टेंट विषय है। ये अभी तक मैंने किसी वीडियो में आपसे ऐसा नहीं कहा कि भाई ये मतलब जो है कंपटीशन के लिए जरूरी है। दोस्तों बात ये है, जो आपका ये जो सेमेस्टर चल रहा है, इसमें कुछ एक चीजें जैसे लॉ ऑफ एविडेंस है। अब एक बात बताइए, जब आपको एविडेंस का ही नहीं पता तो आप एग्जाम में कैसे देंगे, आप जज बन गए कैसे काम करेंगे। लॉ ऑफ एविडेंस है, यूपी रेवेन्यू एक्ट है, ठीक है, और दंड प्रक्रिया संहिता है, क्रिम सिविल प्रोसीजर कोड है ना। तो ये चीजों का बेहद पता होना आपको जरूरी है। इनको अगर ये सेमेस्टर आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो एपीओ वगैरह की तैयारी के लिए आपके पास गोल्डन टाइम है, अभी समय भी है, आप तैयारी कर सकते हैं। सिविल सर्विस की तैयारी कर सकते हैं, मतलब जुडिशियरी की। तो आप जो है कोई भी समस्या होगी तो कमेंट के माध्यम से, जरूरी नहीं है कि सभी की समस्याओं का समाधान किया जाए, लेकिन जितना भी हमसे संभव होता है हम प्रयास करते हैं, आप जानते ही हैं हमारा नेचर। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, वहाँ पे जो भी नोट्स वगैरह आपको या पॉइंट दिए जाएंगे वहाँ से आपको सहायता मिलेगी। और कमेंट करके जरूर बताना भाई वीडियो कैसी लगी, और शेयर करना। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय।